उत्तर भारत में पिछले हफ्ते हुई बेमौसम बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। बारिश से धान और गन्ने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फसलों की इस बर्बादी से किसान बेहद निराश हैं। किसानों को हुए नुकसान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों से जानकारी मांगी है। बकौल तोमर, किसान मानसून पर आश्रित है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है और केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। बारिश से उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, हालांकि उत्तर भारत से मॉनसून की अब विदाई हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा। स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण गोवा और अंडमान एंड निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी बात कही गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है।